हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल था आज मैं बनाने वाली हूँ नाचोस तो चलो बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैदा ले लेना है उसमें डाल देना है नमक स्वाद अनुसार साथ में डाल देंगे अजवाइन और इसमें डाल रही हूँ ऑयल और ऑयल डाल के इन सबको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए तो गाइज़ मैंने एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लिया देख सकते हो इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे पानी ज़्यादा नहीं डालना है पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और अपने को इसका हार्ड डो बनाना है सॉफ्ट डो नहीं बनाना है इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना और ये देख सकते हो मैंने डो इसका बना एकदम अच्छे से ये हॉरो कितना हार्ड बना है आप देख सकते हो गैस तो इसको हम पाँच मिनट के लिए साइड में रख देंगे पाँच मिनट के बाद इसका एक पेड़ा बना लेना है गोल शेप में इसी तरह एकदम अच्छे से तो इसको करके फिर इसका एक पेड़ा बना लेंगे और फिर इसके ऊपर गोल शेप में रोटियां बना लेंगे तो इस तरह अपने को बेल मैंने ले लिया लोई भी ले लिया है उसके बाद इसको बेल लेंगे और इसको एकदम गोल शेप दे देंगे तो ये देख सकते हो गाइस मैंने एकदम अच्छे से इसको शेप दे दिया है इसके बाद इसके सारे कॉर्नर अपने को कट कर लेने हैं तो अपने को ये स्क्वायर शेप में मिल जाएगा तो इसी तरह आपको भी कॉर्नर सारे कट कर लेने हैं एक एक करके जिस तरह मैं कर रही करी उसी तरह आपको भी कर लेना है तो ये देख सकते हो गाइस मैंने कॉर्नर कट कर लिया है इसके बाद इस पर अपन इस तरह काटे वाले चम्मच या फिर चाकू से आप इस तरह होल कर लेना ताकि जब तेल में हम फ्राई करें तो ये मतलब फूले नहीं और क्रिस्पी और कंचे बने इसके बाद इसके तीन पीसेस कर लेना और इसके बाद इस तरह ट्रायंगल शेप में अपने को इसको कट कर लेना है जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह आपको भी कर लेना है इसी तरह सारे अपने को नाचोस बना लेने हैं तो ये देख सकते गाइस मैंने सारे नाचस बना लिए और एक ट्रायंगल शेप में ही बने हैं तो चलो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो ऑयल ले लेना ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म होने देना फिर इसमें सारे नाचेस अपने को एक एक करके डाल देने हैं तो गाइस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ही अपने को इसको पकाना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे आप लो हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ये सॉफ्ट बनेगा फिर क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगा इसलिए लो फ्लेम पे ही अपने को इसको पकाना है और इस तरह ये बीच बीच में चलाते रहना ताकि ये नीचे से जले भी नहीं और एकदम अच्छे से पक जाए तब इसका कलर मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आने देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं तो ये देख सकते हो गोल्डन ब्राउन हो गया है गाइस तो अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ और ये मैंने दूसरे नाचोस भी डाल दिए इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन आने तक पका लेती हूँ देख सकते हो दूसरे नाचोस भी गोल्डन ब्राउन हो गए तो इसको भी मैं साइड में रख दूंगी तो ये देख सो सारे नाचोस हमारे तैयार हो गए हैं तो इसी तरह आप इसको सादे नाचोस बना के भी खा सकते हो और मसाले वाले चाहिए तो मसाले वाले भी खा सकते हो तो मसाले मसाले वाले बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला और मैंने सारे मसाले डाल दिए गएस तो अभी हम इसको एकदम तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाले ना ताकि इसका एक अलग सा फ्लेवर आ जाए फिर इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि ये मसाला इसमें नाचोस में अच्छे से बैठ जाए तो ये देख सकते हो ना मसाला एकदम अच्छे से बैठ गया है और ये कितना क्रिस्पी और उसका बना है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ गाइस और एक बार ज़रूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और उसको टाइम तो लगता है बनाने में लेकिन खाने में बहुत ही मज़ा आएगा तो ऐसी ही रेसिपी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें थैंक यू गाइज़